नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे साउथ इंडिया मोटरसाइकिल ट्रिप का तीसरा दिन और कल रात हम पुणे से सोलापुर तक कवर किया था और रात को ईश्वर भाई के यहाँ स्टे किया था। ये रहे हमारे ईश्वर भाई, उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं। और आज हमें जाना है हम्पी के लिए, सोलापुर से हम्पी। तो कर्नाटका में एंट्री करने वाले थे, काफ़ी एक्साइटेड थे। फिर क्या था, एक छोटी छोटी प्यारी नन्ही बच्ची को हम बाय बाय करके हम पिक की ओर निकल पड़े। फाइनली हमने कर्नाटका एंटर कर लिया है और पेट्रोल के लिए ब्रेक लिया है और इसमें काफ़ी बढ़िया गाना चल रहे हैं। डेवलप करवाते हैं तब तक गाने का मजा लीजिए। कितना टाकुर है फोटो कर लाइक आता चश्मे वाला है। चलो तो फाइनली पेट्रोल फ्यूल अप हो गया और अभी हमें जाना है हसपेट। हसपेट से फिर हम भी को जाएंगे। चलो तो फिर हम पहुंच गए हैं हसपेट को और ये सामने दिख रहा है, ये तुंगभद्रा डैम है और हम भी यहाँ से 10 किलोमीटर है। तब तक यहाँ के नज़ारों का मज़ा लेते हैं फिर जाएंगे हम भी को। हाईवे से थोड़ा अंदर बाइक लिया और यहाँ पे एक पुराना पुल है, वहाँ पे खड़े हैं, काफ़ी मस्त व्यू है। और ये क्या है, ये बाबू सोना, क्या खाना खाया क्या बाबू सोना, बस यही काम कर तू। ये देख मोना मोना, ये देख क्या कर रहा है, ये यही घूमने आया, ये देख साला, ये दूसरों को बोलता है और ये अभी बाबू सोना पे लगा हुआ है। देखो ये देखो, ऐसे घूमते ही लोग। ये रहा तुंगभद्रा डैम जो कि स्थित है कर्नाटका में तुंगभद्रा रिवर पर। काफ़ी बड़ा डैम है, भारत में टॉप 10 के लिस्ट में आता है ये डैम, काफ़ी बढ़िया है। और शाम को सनसेट का टाइम था तो काफ़ी अच्छा नज़ारा था यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया दिख रहा था सब। हम पहुंच गए अभी हम्पी को और यहाँ पे एक होटल पे स्टे किया है, काफ़ी बढ़िया होटल है। यहाँ का नाइट एम्बियंस काफ़ी बढ़िया है। चलो तो फिर
कल मिलते हैं, बाय बाय।